रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत सहायक मैकेनिक विशंबर यादव के सेवानिवृत्त होने पर एक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी को क्षेत्रीय कार्यशाला के सेवा प्रबंधक संतोष कुमार, सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। सेवा प्रबंधक ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को उपहार देकर सम्मानित किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष कैलाश प्रसाद, शाखा मंत्री अजय कुमार, राम नारायण विश्वकर्मा, राम ध्यान, कृष्ण चंद श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, राम दुलारे, मनोज तिवारी, लल्लू प्रसाद, लाल बिहारी, संजय कुमार पासवान सहित कार्यशाला के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शाखा मंत्री अजय कुमार और कार्यशाला के सेवा प्रबंधक संतोष कुमार ने कहा। और लगभग आजमगढ़ से इलाहाबाद तक हम लोग देखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। कोई ये विशंबर यादव जी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके विदाई सम्मान समारोह का कर्मचारियों द्वारा आयोजन किया गया है। विदाई सम्मान समारोह करके उनका सम्मान किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा कुछ उपहार भेंट किए गए हैं। ये हर कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होते हैं उनके विदाई सम्मान किया जाता है, ये हमेशा चला आ रहा है। इसी क्रम में विशंबर यादव जी भी हैं, उनका किया जा रहा है। इसमें पूरी योगदान यहाँ के कर्मचारियों की है। सभी कर्मचारी मिलकर रिटायरमेंट कर्मचारियों के सेवानिवृत्त में सम्मिलित होते हैं, उनका विदाई सम्मान समारोह करते हैं। कार्यशाला के श्री विशंबर यादव जी सहायक मैकेनिक सेवानिवृत्त हुए हैं, हम लोग उनकी विदाई समारोह में सारे कर्मचारी लोग उपस्थित हैं। श्री विशंबर जी हमारे यहाँ इस क्षेत्रीय कार्यशाला में बहुत ही अच्छे कर्मचारी थे और मतलब पूरा जो रिकंडीशन सेक्शन है वो बहुत अच्छे से चला रहे थे। इनके कार्य की जो इतनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। और शेष इनका सेवानिवृत्ति के बाद हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका जीवन जो है सुखमय हो, ठीक से व्यतीत हो, इन्हीं चलते जाएंगे।